मतलब आप ए टू जेड अल्फाबेटिक में नाम लेना चाहते हैं, पहले ए वाले, फिर बी, फिर सी, फिर डी, जो आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग किए हैं, और जेड टू ए करते हैं तो उल्टे क्रम में आते हैं आप। ठीक है, इसके बाद अपन डेट पे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे डेट सेलेक्ट है आपकी, ये 5, 6, 10, 15 और 2024 की है जनवरी मंथ की, आप इसको अनसेलेक्ट करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे ओनली 10 तारीख का देखना है, तो आपने ओनली 10 तारीख सेलेक्ट की और ओके किया, तो ओनली आपको इसमें 10 तारीख का ही डाटा देखने को मिलेगा, बाकी और कोई से डेट का डाटा देखने को नहीं मिलेगा। तो ये होता है फिल्टर। ऑल डाटा देखना है तो आप यहाँ से ऑल सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे तो ऑल डाटा आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको ये ग्रुप है, आप इसके ड्रॉप डाउन और ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पिक्चर्स ऑप्शन मिलता है, और ये रहता है ऑनलाइन पिक्चर्स। ये पांचों ऑप्शंस आपने एमएस वर्ड में भी किए हुए हैं, तो किस किस ने किए हैं? चलिए हम फिर से बता देते हैं। अब यहाँ पे क्या है आपका फर्स्ट पिक्चर्स, आपका यहाँ पे ये पिक्चर्स है, मतलब आपके सिस्टम में जो भी इमेज होती है वो आपको लेनी रहेंगी। और ऑनलाइन पिक्चर्स से क्या हुआ, गूगल क्रोम से आप सर्च करते हैं तो वो आपको सर्च करने के लिए दे देगा। दोनों टाइप से आप पिक्चर ले सकते हैं और दोनों में आपके सेम ऑप्शन रहते हैं। तो अपन पहले पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पिक्चर्स पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। आप इस डॉट से नीचे की ओर जाएंगे और आप लोकेशन दे देंगे जिस भी लोकेशन पर आपकी इमेज होगी। कहाँ गया, डिस पीसी लिया हमने और यहाँ से लिया एफ ड्राइव पर डबल क्लिक करके ओपन किया और वॉलपेपर वाला फोल्डर देख, ये है वॉलपेपर, इस पर डबल क्लिक करेंगे। आपको यहाँ से इमेज लेनी है, आपको यहाँ से जो भी इमेज लेनी है आप उसको सेलेक्ट करेंगे, देन इंसर्ट करेंगे, तो आप देखेंगे आपके पास इमेज आ जाएगी। और जब आप यहाँ पे पिक्चर ले लेती हैं तो ये फॉर्मेट वाला ऑप्शन आ जाता है, ये ऑप्शन आपने एमएस वर्ड में भी किया हुआ था। अच्छा ये बताइए, एमएस वर्ड में स्टार्टिंग से किस किसने पढ़ा है? ये तो आपने अभी आपके सिस्टम से लिए, इसके बाद अपन ऑनलाइन लेते हैं। तो ये पिक्चर्स है आपका, यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर्स बता रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने से क्या होगा, आपको यहाँ पे सर्च करना है जो भी इमेज आपको लेनी है। जैसे कि हम लेते हैं, और इसको मैंने सेलेक्ट कर दी थी, तो यहाँ पे ये इमेजेस आ रही हैं आपके पास, आपको जो भी इमेज लेनी है आप यहाँ से ले सकते हैं। ये लेते हैं, इसको सेलेक्ट किया हमने और इंसर्ट किया यहाँ। अरे आ नहीं रही है, बताइए वाला। ऐसे ये वाली लेते हैं अपन, इसको सेलेक्ट किया आपने, इंसर्ट किया, आ गई आपकी इमेज। इसका बहुत बड़ा साइज आ रहा है, लेकिन तो ये डॉट्स आ रहे हैं आपके, इन डॉट्स से आप इसका साइज छोटा कर देंगे, माउस की क्लिक को दबा के रखेंगे और अंदर की ओर ड्रैग कर देंगे। ठीक है, आ जाएगा लेना। इसके बाद फॉर्मेट, फॉर्मेट में फर्स्ट ऑप्शन रहता है रिमूव बैकग्राउंड, आप इस पे क्लिक करेंगे और जितना इसका ये पिंक पिंक कलर हो गया है, मतलब उसका वो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा आपका, और बाहर कहीं क्लिक कर देखिए रिमूव हो गया, कंट्रोल जेड कर देंगे तो आप क्या, ये रिमूव पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे और ये फॉर्मेट ऑप्शन रहेगा यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड, तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे पिंक पिंक कलर जो आ जाएगा उसका बैकग्राउंड रहेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका करेक्शंस, आप इसके ड्रॉप डाउन ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी ब्राइटनेस कितनी रखनी है, ब्राइटनेस तो सभी स्टूडेंट जानते हैं, तो आप यहाँ से इसकी ब्राइटनेस कितनी रखना चाहते हैं, जैसे आप आपके मोबाइल की कम ज्यादा करते हैं उसी टाइप से आप इसकी भी ले सकते हैं, कितनी ज्यादा लेनी है कितनी कम। तो आप यहाँ से जो भी ब्राइटनेस लेनी हो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है कलर, आप इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी पिक्चर कलर करना हो, मतलब कलर में लेनी है, तो आप यहाँ से कलर कर सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, और भी ऑप्शंस मिलते हैं, ये सारे ऑप्शंस हमने आपको
बता दिए पहले भी, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी बता देंगे। यहाँ से भी आप और भी कलर ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद रहता है आर्टिक्स इफेक्ट्स, इसके ड्रॉप डाउनर पर आप क्लिक करते हैं तो आपकी पिक्चर में आप यहाँ पे इफेक्ट्स डाल सकते हैं, जैसे ब्लर वगैरह करनी हो, धुंधली करनी हो आपको आपकी इमेज, ये करते हैं। देखिए आ गई आपको इफेक्ट्स में, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लेना आपके अकॉर्डिंग आपको जो भी लेना हो। अब आपने जो इफेक्ट्स दिए हैं वो रिमूव करना, तो यही रीसेट का ऑप्शन आ रहा है इसी के सामने, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी रीसेट हो जाएगी, मतलब जो फॉर्मेटिंग आपने की होगी वो रिमूव हो जाएगी। इसका दीवारा जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे ये प्रिंट और जो आपका रहता है ना साइज वगैरह उसके लिए रहता है, जो कि यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे अपन। इसके बाद रहता है आपका नेक्स्ट चेंज पिक्चर, ये जो पिक्चर है इसको चेंज करना तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आप आपके सिस्टम से लेना चाहते हैं तो ब्राउज ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये सर्च किया, आपके पास इमेजेस आ गई, आपको जो भी इमेज लेना है आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे उसको। इसको सेलेक्ट किया आपने और इंसर्ट किया तो भी इमेज आ जाएगी आपके पास, चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या रहता है आपका यहाँ पे पिक्चर स्टाइल, आप इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं तो आपकी पिक्चर को आपको स्टाइल देना हो यहाँ से, तो आप यहाँ पे जो भी स्टाइल देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर, आप इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो इसकी कलर चेंज हो जाएगा, इसकी बॉर्डर का कलर चेंज हो रहा है, ब्लैक मिली थी आपको तो यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है नो आउटलाइन, नो आउटलाइन करेंगे तो जो बॉर्डर आपने दी थी वो रिमूव हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट मिलता है आपको मोर आउटलाइन कलर्स, आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड कलर मिलते हैं और कस्टम कलर मिलते हैं, आप यहाँ से जो भी कलर में बॉर्डर लेना चाहते हैं आप सेलेक्ट करेंगे कलर को और ओके करेंगे तो उस कलर में बॉर्डर आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको इसमें मिलता है विड्थ, विड्थ मीन्स बॉर्डर उसको कितना मोटा कर रखना है, आपको कितना पतला लेना है, तो आप यहाँ से उसकी विड्थ कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है डैशेस, तो आप यहाँ से डैशेस वाली ले लेंगे, आप डैशेस में आ जाएंगे ये ऑप्शन। इसके बाद पिक्चर इफेक्ट्स हैं, आप इसके ड्रॉप डाउन और ऊपर क्लिक करेंगे, शैडो देना हो आपको तो यहाँ पे आप किस टाइप से शेडो देना चाहते हैं वो आ जाएगा, आप नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो और भी शेडो मिल जाते हैं, ये आपको ब्लैक ब्लैक आ रहा है नीचे। इसके बाद रिफ्लेक्शन मतलब उल्टी प्रतिबिंब शो करानी हो इस पिक्चर की, तो आप यहाँ से किस टाइप लेना चाहते हैं वो आ जाए, देखिए दिख रही है उल्टी कुश्ती, रीसेट करेंगे तो आप जो भी फॉर्मेटिंग करते जा रहे हैं वो क्लियर होती जाएगी, रिमूव होती जाएगी। इसके बाद आपको ग्लो देना हो पिक्चर के आउटसाइड, किस कलर से देना है, देखिए अप्लाई हो रहा है उसमें, ठीक है, तो ग्लू दे सकते हैं सॉफ्ट पे, इससे आपकी पिक्चर आउटसाइड से बैकग्राउंड में आते जाती है, धुंधली टाइप में होती जाती है, जिस भी ऑप्शन पे आप जिस भी पॉइंट पे आप माउस पॉइंटर लेके जा रहे हो उस टाइप से आ रहा है आपको। नॉर्मल करना है जहाँ से आपने अप्लाई किया है वहीं से आप नो कर देते हैं तो वो नॉर्मल हो जाए, या फिर आप रीसेट कर दें यहाँ, ठीक है। इसके बाद वेल भी यहाँ से थोड़ा इफेक्ट देना, यहाँ पे 3D में रखना, बेवेल देना हो तो आप यहाँ से दे सकते हैं जिस भी टाइप में देना हो, और 3D में रखना हो तो आप यहाँ से 3D में दे सकते हैं, ठीक है। तो इतने ऑप्शन करके देखना आप, बाकी तो हमने ये बता ही दिए हैं लेकिन फिर भी बार कल फिर रिपीट करवा देंगे, ठीक है, क्या बता दिए, हाँ बढ़ के हैं सारे लेकिन फिर भी बता देंगे क्योंकि ये कुछ इस बार न्यूज ज्वाइन हुए हैं ना इसलिए।